अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू फैंटास्टिक कुकिंग। आज हम बना रहे हैं पिज्जा। ये एक नो ओवन नो इस पिज्जा है जो कि सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 2 कप मैदा। अब मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 कप दही। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीजें मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करूंगी। अब इस तेल के साथ मैं इसे अच्छी तरह से गूंद लूंगी। आटा मैंने गूंद लिया है। आटे को गूंदते वक्त मुझे पानी की जरूरत नहीं हुई, लेकिन अगर आपको जरूरत हो तो आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी रेस्ट होने के लिए। डो को रेस्ट करते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा डो तैयार है। पिज्जा की बेस का साइज डिपेंड करता है आपके तवे के साइज पर। जिस भी साइज का आपका तवा होगा उसी साइज का आपने बेस तैयार करना है। मैंने यहाँ डो को 2 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम सरफेस पर थोड़ा सा आटा डाल देंगे ताकि हमें बेलने में आसानी हो। अब हम इसे बेलेंगे। आप देख सकते हैं इसे मैंने काफी थिक बेला है। इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, तकरीबन 1/4 इंच जितनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब हम इसे तवे पर डाल देंगे। पैन को मैंने गरम कर लिया है और फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। अब मैं इस पर पिज्जा बेस डाल दूंगी और हाथों से ही आप इसे एडजस्ट कर लें। अब हम एक फोक से इस पर निशान बना लेंगे। डीप आपने इसमें निशान बनाने हैं। पिज्जा को एक तरफ से पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे टर्न कर दूंगी। अब हम इस पर पिज्जा सॉस लगा देंगे। मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है। जब तक मैं पिज्जा की टॉपिंग करूंगी मैं चूल्हा ऑफ ही रखूंगी। अगर चूल्हा ऑन करके हम पिज्जा की टॉपिंग करेंगे तो पिज्जा नीचे से पकना शुरू हो जाएगा और चीज मेल्ट होने से पहले ही आपका पिज्जा जल जाएगा। इसीलिए चूल्हे को ऑफ करके ही हम इसकी टॉपिंग करेंगे। अब हम इस पर चीज डाल देंगे। मैं यहाँ मोजरेला चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो चेडर चीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसी स्टेज पर इसे कवर करके चीज एंड टोमेटो पिज्जा तैयार कर सकते हैं और चाहे तो इसमें अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड पेपर, ग्रीन पेपर और ब्लैक ऑलिव इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इस पर थोड़ा सा चिकन भी डाल दूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये चिकन किस तरह तैयार किया है तो इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसे वहां से चेक कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चीज और शामिल कर दूंगी। अब मैं इस पर थोड़ा सा ओरिगानो डाल दूंगी। अब मैं इस पर थोड़े से और ऑलिव डाल दूंगी। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। पिज्जा को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चूल्हा ऑफ कर दूंगी। अब मैं इसका लिड ओपन कर दूंगी। अब देख सकते हैं हमारा पिज्जा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे पैन से निकाल लेंगे। हमारा मजेदार सा यम्मी पिज्जा बनकर तैयार है। अब हम इसे कट कर लेंगे। पिज्जा को मैंने काट लिया है। आप देख सकते हैं कितना मजेदार और बेहतरीन पिज्जा बनकर तैयार हुआ है। आप इस पिज्जा को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का खूब ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।